नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद हमेशा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाएंगे, जो कि मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो चिकन मटन से भी अच्छा सब्जी बनेगा। तो सोयाबीन बड़ी बनाने के लिए मैंने आधा पाव सोयाबीन का बड़ी लिया है। और सबसे पहले मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है। बड़ी को हम पॉलीथीन के अंदर डालेंगे। देखिए, बड़ी को मैंने एक पॉलीथीन में डाल दिया है। पॉलीथीन को मैं इस तरह से पैक कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ एक रबड़ भी लगा सकते हैं। और इसको पहले मैं इस तरह से बड़ी को चूरा कर लूँगी। देखिए, इसको हमने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। और आप देख सकते हैं, मैंने इसको दो से तीन टुकड़ा किया है एक सोयाबीन की बड़ी को। इसी तरह से हम पहले कूट लेंगे। अब हम आगे का तैयारी करते हैं। तो देखिए, मैंने एक गंजी में पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और एक चम्मच हम इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। अब जो बड़ी हमने कूट के रखा है वो बड़ी इसमें डाल देंगे। तो देखिए, मैंने बड़ी को पानी में डाल दिया है। अब मैं इसी समय गैस बंद कर दूंगी और इसको 5 से 6 मिनट गर्म पानी में हम इसको इसी तरह से डूबे रहने देंगे। तब तक के हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, सब्जी फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। देखिए, जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह से काट लिया है। अब मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को हम 2 से 3 मिनट हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए, प्याज को हमने हल्का ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल के अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से काट लिया है। टमाटर को पहले हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे। और इसी समय हम कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और कलर के लिए मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इस सभी मसालों को हम टमाटर के साथ भूनेंगे ताकि जो टमाटर का पानी हमारा निकलेगा उसी में हमारा मसाला भून के तैयार होगा। तो हम इसको 3 से 4 मिनट चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे। तब तक कि हमारा टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और मसाला भी भून जाएगा। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है तब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं और हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोयाबीन का बड़ी भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम एक जालीदार बर्तन ले लेंगे और सोयाबीन की बड़ी को इसमें निकाल देंगे ताकि इसका जो पानी हो अच्छे से निकल। तो देखिए, हमने एक जालीदार बर्तन में सोयाबीन बड़ी को रख लिया है। अब हम इस तरह से इसको 1 चम्मच की मदद से इस तरह से दबा दबा के सारा पानी निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो हथेलियों की मदद से भी पानी निकाल सकते हैं। अब हम इसका पानी निकालने देते हैं। तब तक कि हम अपने मसाले को देख लेते हैं कि मसाला हमारा रेडी हुआ है या नहीं। तो आप मसाले को देख सकते हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और ये एकदम अच्छे से तैयार भी हो चुका है और मसाले से तेल भी अलग होने लग गया है। तो इसी समय हम सोयाबीन बड़ी डाल देंगे। और सोयाबीन बड़ी डाल के बड़ी की सब्जी हम सोयाबीन बड़ी की सब्जी हम सूखा ही रखेंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमने इसको हाथों से निचोड़ा नहीं है इसलिए इसमें हल्का सा पानी है, और इसी समय हम इसको धीमी आंच में 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारी सोयाबीन की बड़ी की सूखी सब्जी बनके तैयार है। तो इस तरह से आप अपने घर में एक बार सोयाबीन की बड़ी ज़रूर बना के देखें। और इसको आप बच्चे को भी इस तरह से बना के देंगे तो बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा सोयाबीन का बड़ी का सब्जी इस तरह से बनाने का अगर अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।